नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, ऐसे में हनुमान जी के महत्वपूर्ण रहस्यों के विषय में चर्चा करेंगे और उनके साथ ही उन्हीं की चालीसा का भी पाठ करेंगे, जिससे कि आपको हनुमान जी के गुण रहस्यों के साथ उनकी कृपा भी प्राप्त हो। तो चलिए जानते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि 23 अप्रैल 2024 के दिन आज हनुमान जी की जयंती है और हनुमान जी को याद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन आज का है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, यानी आप चारों युगों में प्रसिद्ध हैं। इनके संबंध में एक बार नहीं हजारों बार वर्णन आता है। कहते हैं 13वीं शताब्दी में माध्वाचार्य जी ने, 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने, 17वीं शताब्दी में रामदास जी ने, राघवेंद्र स्वामी जी ने, 20वीं शताब्दी में स्वामी रामदास जी ने, और हमारी 20वीं और 21वीं शताब्दी जिसे बोला जाता है उसमें कैंची धाम के प्रमुख संत जिनको हम जानते हैं बाबा नीम करोली, ये सभी लोग हनुमान जी को न सिर्फ देखे बल्कि उनके साथ वार्तालाप और उनकी सिद्धियां भी प्राप्त किए थे। कहते हैं कलयुग जब तक अंत नहीं होता तब तक वह जीवित है यहाँ और रक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हनुमान जी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है साधना के क्षेत्र में भी। इनकी भक्ति सरल है लेकिन आप इनकी वजह से जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। हनुमान जी की शक्ति को संभालना हर के विश्व में सभी के लिए ये कोई सामान्य बात नहीं है। हम जानते हैं कि कलयुग में हनुमान जी, भैरव जी, माता जगदम्बा को जागृत देवता के रूप में माना जाता है। हनुमान जी का पहला रहस्य है हनुमान जी के गुरु। कहते हैं मतंग ऋषि हनुमान जी के गुरु थे, उनसे ही उन्होंने शिक्षा ली थी। कहते हैं मतंग ऋषि शबरी के भी गुरु थे और मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस देवी का स्वरूप जन्म लिया था वो मातंगी देवी थी। महाविद्याओं में नवी देवी मातंगी देवी को माना जाता है। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी है, दस महाविद्याओं में से एक तारा और मतंग देवी जो है उनकी आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। मातंगी को माता गिरी भी कहा जाता है। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में मातंग समाज के लोग आज भी विद्यमान हैं। मान्यता के अनुसार मतंग समाज, मेघवाल समाज, किरात समाज के लोगों के पूर्वज मतंग ऋषि ही थे। श्रीलंका के आदिवासी समूह जो विद्यमान है और कुछ विद्वान मेघवाल समाज भी मतंग ऋषि से ही मानते हैं। ये सभी मेघवंशी हैं। और एक आधिकारिक वेबसाइट ने ये भी कहा है कि श्रीलंका के जंगलों में एक आदिवासी समूह है जिसमें हनुमान जी प्रत्येक 41 बाद वहां उनसे मिलने के लिए भी आते हैं। श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो समाज से कटा हुआ है और उनकी भाषा और पहनावा भी पूरी तरह से अलग है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हनुमान जी आज भी लोगों से मिलने आ रहे हैं। कहते हैं एक बार हनुमान जी और भगवान राम का भी युद्ध हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देश के अनुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान जी से शरण मांगी थी उस वक्त, तब हनुमान जी ने ययाति को वचन दे दिया था। तब हनुमान जी के ऊपर अस्त्र शस्त्रों का जो प्रयोग भगवान राम ने शुरू किया उस वक्त वह लड़ने के बजाय सिर्फ राम नाम जपने लगे और सारे चलाए गए भगवान राम के बाण उनके ऊपर बेअसर रहे थे। इसके अलावा कुंती पुत्र भीम जी जो थे वो भी हनुमान जी के भाई माने जाते हैं। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व, हनुमान जी का जन्म श्री राम के जन्म के कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के जन्म 3112 ईस्वी पूर्व में हुआ माना जाता है। तो हनुमान जी और भीम के जन्म में कम से कम 2200 वर्षों का अंतर हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी पवन पुत्र हैं और कुंती ने भी पवन देव से ही भीम को प्राप्त किया था, यानी दोनों एक ही पिता की संतान माने जाते हैं। कुंती पुत्र भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली सिर्फ उनका ही पुत्र था। भीम की परीक्षा हो रही थी एक बार, तब कहते हैं रास्ते में उन्हें एक बंदर मिला जो अपनी पूंछ से रास्ता रोके खड़ा था। भीम ने उनकी पूंछ हटाने को कहा, तब बंदर ने चुनौती देकर कहा कि अगर वो पूंछ हटा सकते हैं तो हटा दे। तब उनका यह घमंड टूट गया था, वह उनकी पूंछ तक नहीं हिला पाए थे। यह बंदर स्वयं हनुमान जी ही थे, तो इससे आप समझ सकते हैं। इसके अलावा माता जगदम्बा के सेवक के रूप में भी हनुमान जी को जाना जाता है। वह माता के आगे आगे चलते हैं और माता के पीछे भैरव जी चलते हैं। माता के जितने भी मंदिर देश भर में हैं उसके आसपास आपको हनुमान जी और भैरव जी के मंदिर जरूर देखने को मिलेंगे। हनुमान जी खड़ी मुद्रा में और भैरव जी कटासन लेकर अपने साथ चलते हैं। भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा प्राप्ति अगर किसी को चाहिए
तब हनुमान जी की भक्ति भी आवश्यक हो जाती है। हनुमान जी सभी देवी भक्तों के रक्षक भी माने जाते हैं। इसी की प्रकार हनुमान जी ने एक बार जो है श्री राम प्रभु का ऐसे समय में साप दिया था जब कि महापंडित रावण जो है वो अपनी जगत में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए त्रिदेवों की जननी माता चंडी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों से विशेष तरह का अनुष्ठान और हवन करवा रहा था। तब क्या कहते हैं कि हनुमान जी बालक ब्राह्मण का रूप धार करके ब्राह्मणों की सेवा में जुड़ गए। बालक हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा देखकर चंडी पाठ करने वाले उन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, तो आप जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका केवल एक अक्षर मेरे कहे अनुसार बदल दीजिए। माना जाता है हनुमान जी स्वयं शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनके जैसा ज्ञानी और कोई नहीं। इसलिए हनुमान जी चंडी पाठ के उच्चारण किए जा रहे थे और एक एक मंत्र का गूढ़ अर्थ भी जानते थे, जबकि मंत्रों का इतना गहन ज्ञान ब्राह्मणों को नहीं था। सो वे ब्राह्मण हनुमान जी के इस रहस्य को समझ नहीं सके। जल्दबाजी में उन्होंने तथास्तु कह दिया। दरअसल हनुमान जी ने चंडी पाठ के जया देवी भूतार्थहारिणी वाले मंत्र में हा शब्द के स्थान पर का शब्द का उच्चारण करना शुरू करने का निवेदन किया, जिसे ब्राह्मणों ने मान लिया। भूर्ति हरणी का अर्थ होता है प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और भूर्ति करणी का अर्थ होता है प्राणियों को पीड़ित करने वाली। उच्चारण के परिवर्तन मात्र से माता चंडी का जो पाठ था वो विकृत हो गया, जिससे देवी माता रुष्ट हो गई और रावण को अमृता प्रदान करने के स्थान पर उसका सर्वनाश हो गया। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए और मंगलवार को सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनकी मूर्ति को भी स्थान यानी कि स्नान करवाना चाहिए। हनुमान जी की स्तुति के संबंध में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहु जैसे स्तोत्र लिखे, और तब हनुमान जी ने इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कृत्यों के द्वारा तब तुलसीदास जी को ज्ञान भी दिया और राम भगवान से मिलने में उनकी सहायता भी की थी। स्वयं विभीषण जी को भी राम नाम का प्रताप उन्होंने सिखाया था जब वह उनसे मिलने के लिए गए थे, और उन्हीं के कारण विभीषण राम भगवान की शरण में आ पाए थे। लंका को जलाकर कहते हैं पछताए थे हनुमान जी। वाल्मीकि रामायण में लिखित उल्लेख के अनुसार हनुमान जी ने जब रावण की लंका जलाई तो उन्हें पश्चाताप हुआ, क्योंकि हनुमान जी एकादश रुद्र के अवतार हैं। रावण ने अपने दसों सिरों को काट कर महामृत्युंजय मंत्र से आराधना की, लेकिन ग्यारहवां रुद्र हमेशा असंतुष्ट ही रहे। यही रुद्र देवता युग में हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। हनुमान जी का अवतार ही दरअसल रावण के विनाश के लिए भगवान श्री राम के सहायक के रूप में हुआ था। जब हनुमान जी ने रावण की जंका जला दी तो उनका मन कई उलझनों में था, वे अपने किए गए सभी पश्चाताप कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में श्लोक है कि सारी लंका तो जल गई है, निश्चित रूप से जानकी भी उसमें जल गई होंगी, ऐसा करके मैंने निश्चित रूप से अपने स्वामी का बड़ा अहित कर दिया है। भगवान राम ने तो मुझे लंका इसीलिए भेजा था कि मैं सीता का पता लगाकर लौटूंगा, लेकिन मैंने तो यहाँ कुछ और ही कर दिया है। तब सीता जी ने कहा, नहीं भगवान, भला ऐसा कैसे कर सकते हैं। कहते हैं हनुमान जी भी भूल गए थे कि वह अजर और अमर है, इसलिए उन्हें भी याद दिलाना पड़ता है, और स्वयं वह रुद्र के अवतार हैं। कहते हैं एक बार ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी पर बेअसर हो गया था, उनके पास वरदानी शक्तियाँ, लेकिन कभी भी उनके ऊपर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता था। हनुमान जी को एक बार मृत्युदंड भी दिया गया था। कहते हैं भगवान राम जब सिंहासन पर विराजमान थे तब नारद ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए, उन्होंने इसे अपना अपमान समझा, भड़कते हुए श्री राम के पास गए। उन्होंने श्री राम से हनुमान को मृत्यु दंड देने की सजा के लिए कहा। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी नहीं जानते थे। उन्होंने बड़े ही दुखी होकर हनुमान पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम का नाम जपते रहे और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए भगवान श्री राम ने फिर हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र भी चला दिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जप कर रहे हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल को स्वीकार किए। हनुमान जी को प्रमुख देवताओं के रूप में जाना जाता है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ चार देवताओं में भी सम्मिलित करते हैं। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, और स्वयं इतने शक्तिशाली होते हुए भी भक्तों की सहायता के लिए आज भी
सशरीर रूप में यहाँ पर विद्यमान है और कहते हैं उनके समक्ष कोई भी मायावी शक्ति नहीं ठहर सकती है। इसीलिए हनुमान जी सिद्धिवान बनाते हैं प्रत्येक व्यक्ति को, और ऐसे हजारों उदाहरण हैं जब हनुमान जी ने, चाहे वह त्रेता युग में उन्होंने दर्शन दिए हो, उसके बाद फिर वह भगवान राम के साथ त्रेता युग में जैसे रहे, और फिर उसके बाद द्वापर युग में भगवान कृष्ण के साथ उनके महाभारत युद्ध में तक रहे, और उन्होंने ध्वजा के रूप में भी अर्जुन की उस रथ पर विद्यमान थे, इसके अलावा भीम इत्यादि के समक्ष भी प्रकट हुए थे, और फिर कलयुग में भी जैसे कि मैंने संतों के नाम लिए, उन सभी को उन्होंने दर्शन दिए, सिद्धि प्रदान की। तो हनुमान जी इसीलिए चारों युग प्रताप तुम्हारा प्रसिद्ध जगत उजियारा शब्द कहा जाता है। हनुमान जी इसीलिए महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। अब मैं उनके प्रसिद्ध चालीसा के विषय में बात करूंगा। कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने से समस्त प्रकार के संकट दूर होते हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इस अवसर पर हनुमान जी को याद करते हुए उनके चालीसा का पाठ हम लोग करते हैं। यह दोहे से शुरू होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। छपाई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विलाज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, राम चंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरि शुकुर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित असी अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कवि कोविद कही सके कहां ते, तुम उपकार सुग्रवहि कीन्हा, राम मिलाए राज पद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्य हुमा ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा विनु भय सारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब वीरा, जपत निरंतन हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, दिन के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुरारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपुर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चलीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसी दास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित
हृदय बसहु सुर भूप सियावर राम चंद्र की जय। तो ये तो आपने चालीसा का विवरण सुना। यहाँ पर एक श्लोक आता है कि जो सत बार पाठ कर कोई छूटे ही पंथी महासुख होई। असल में आपको इस कथा के बारे में अगर जानकारी नहीं तो संक्षिप्त में बता सकता हूँ कि जब एक बार अकबर ने इन्हें शक्ति दिखाने के लिए कहा था, तब संतों के पास तो शक्तियाँ होती भी हैं, लेकिन प्रदर्शन नहीं करते हो, और अगर ऐसा करेंगे वो तो उनकी सिद्धि जा सकती है, इसीलिए वह कुछ दिखा नहीं पाए तो उनको फिर कैद कर दिया गया। तब उन्होंने उस वक्त यह हनुमान चालीसा की रचना की और इसके इस श्लोक के माध्यम से ही केवल उन्होंने 108 बार इसका पाठ किया और हनुमान जी के बंदरों ने वहां जाकर इतना उत्पात मचाया कि स्वयं अकबर को फिर इन्हें छोड़ना पड़ा और इनकी शक्ति उनको समझ में आ गई कि यह कोई साधारण संत नहीं है, हनुमान जी की इन पर विशेष कृपा है। तो कहते हैं कि जो भी इसका एक माला रोजाना जो जाप करता है उसके जीवन से समस्त संकट नष्ट होते हैं, बड़ी से बड़ी बंधन जो है उसके जीवन में वो समाप्त। तो यह था हनुमान जयंती पर हनुमान जी के कुछ रहस्यों के विषय में और साथ ही साथ उनके हनुमान चालीसा का विवरण। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।